बहुत सारे भारतीय और पाकिस्तानी को पता है नहीं कि क्रोशिया ने खोल दिए अपने बॉर्डर, और क्रोशिया का जो वीजा सक्सेस रेट है वो 99% है, और क्रोशिया एक ग्रीनिश की कंट्री है जो, और इसके बॉर्डर पर लगने वाली कंट्री स्लोवानिया है, हंगरी है, सर्बिया है, और क्रोशिया की जो मात्र आबादी 39 लाख है, और वहाँ पर 10 जॉब के पीछे ओनली एक ही आदमी जॉब अप्लाई करने के लिए, मतलब कि क्रोशिया में जॉब की बहुत डिमांड है। और जो क्रोशिया करेंसी है वो इंडिया के हिसाब से रफली 12 रुपये है, इसको कूना करेंसी बोला जाता है, और क्रोशिया बहुत ही हैप्पी गोइंग कंट्री है। और क्रोशिया में काम करने का बेनिफिट ये है कि क्रोशियन जनरली जो है सही से ज्वाइन करे शेंगन वीजा, मतलब कि जो भी बच्चा क्रोशिया में काम करेगा वो पूरे यूरोप में फ्री में मूवमेंट कर सकता है, चाहे वो माल्टा है, चाहे वो हमारा जर्मनी है, चाहे वो हमारा पुर्तगाल है। गाइस आज आपने वीडियो स्किप नहीं करना और देखना कैसे गरीब माँ के बेटा बेटी आप क्रोशिया जा सकते हैं बगैर एजेंट के और बगैर क्वालिफिकेशन और बगैर इंग्लिश टेस्ट के। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक को दिल से स्वागत जी। आज मैं लेकर आपको यूरोप की नंबर 1 कंट्री क्रोशिया, जहां पर कोई आदमी फ्रेशर भी जा सकता है और जिसका वीजा सक्सेस रेट 99% है, और इसके लिए एक फ्रेशर लड़का 19 साल का भी जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है जहां पर आप एक बार जाओगे आगे जाकर यूके कनाडा यूएसए आपके टिकट लग जाए, बिकॉज क्रोशिया का वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कनाडा और यूके के लिए। चलिए डिस्कस करते आज के टॉपिक, व्हाई वी नीड टू मूव टू क्रोशिया, जॉब डिमांड्स इन क्रोशिया, सैलरी इन क्रोशिया, टैक्सेस एक्सपेंसिव इन क्रोशिया, क्राइम रेशियो एंड पुलिस इन क्रोशिया, हाउ टू गेट वर्क वीजा इन क्रोशिया, वीजा कॉस्ट एंड प्रोसेस टाइम इन क्रोशिया, जॉब्स इन क्रोशिया एंड हाउ टू फाइंड ए जॉब इन क्रोशिया डेमो, एंड वन बैड न्यूज जो मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। चलिए शुरू करते आज का टॉपिक। जैसा मैंने बताया क्रोशिया एक पार्ट ऑफ यूरोपियन है, ये शेंगन का पार्ट है, यहाँ पर अगर आप इसके अंदर आ जाओगे तो आप 27 कंट्री में कहीं पर भी जाकर घूम सकते हो, और आगे जाकर हम TRC क्रोशिया के लेकर या के पास क्रोशिया का पासपोर्ट लेकर पूरा वर्ल्ड आपका जो जब क्रोशिया का पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। सेकेंडली यहाँ की आबादी बहुत कम है, और बहुत सारे इंडियन पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि क्रोशिया में 10 जॉब के पीछे सिर्फ 1 जॉब अप्लाई करने के लिए, तो जॉब कैसे अप्लाई करनी, वो वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करना, वो आज आपने पूरा वीडियो देखना है। जो आदमी वीडियो को देखोगे लाइक और कमेंट करेगा, मैं खुद क्रोशिया जा रहा हूँ शायद 2 वीक के अंदर, आप मेरे फ्री क्रोशिया जाएंगे जहाँ माल्टा जाएंगे, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, और फ्री काउंसलिंग करने के लिए आपको बात करने के लिए आपको नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप 1000 रुपये देकर मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं, और मेरे CV एंड कवर से आपने हज़ारों नहीं लाखों को जॉब मिलते देखा है। अब बात करते हैं सबसे पहले जॉब्स इन डिमांड इन क्रोशिया, क्रोशिया में कौन कौन सी जॉब्स की डिमांड है। सबसे पहले लेबर शॉर्टेज क्रोशिया में जो नेशनल लेवल पर है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में है, और प्रोसेस इंडस्ट्री में है, जहाँ पर ब्रिक लेयर्स, कारपेंटर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, वेल्डर, इंस्टॉलर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी ऑपरेटर, स्टोन्समैन, क्रेन हैंडलर, पाइप फिटर, पेंटर, रूफर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हीटिंग एंड AC इंस्टॉलर, वाटरप्रूफर, फिटर्स और मेटल सरफेस, सेरामिक, टाइल, आइसोलेटर एंड इलेक्ट्रोमीटर एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ट्रांसपोर्ट में फूड डिलीवरी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर जो ड्राइवर ट्रक को करते हैं, और हॉस्पिटैलिटी में शेफ, बुचर, बेकरी, पेस्ट्री शेफ, वेटर, क्लीनर, हाउसकीपिंग, बारटेंडर, हेल्थ केयर में केयरटेकर की जॉब पता है आपको, बाकी पता है नैनीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड IT में आपको पता है IT लोगों की डिमांड है, और यहाँ पर क्लर्क की डिमांड है, और जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट से, लॉजिस्टिक्स से हैं, स्टोर सुपरवाइजर है, चाहे वो शॉप पर काम करने वाले हैं, आपकी डिमांड है, और आप 8 फेल लड़के भी जा सकते हैं, और जो इनकी एवरेज सैलरी है वो 900 यूरो आपको पर मंथ मिलेगा, मतलब कि बच्चे 900 से 1500-2000 यूरो कमा लेते हैं रफली, आप इंडिया में सारा खर्चा निकालने के बाद आप 1.5 लाख भेज सकते हो। एक्सपेंस में सबसे ज़्यादा ऊपर क्या है आपका रूम, अगर आप रूम शेयरिंग में लेते 4 लड़कों के साथ तो आपका रूम रेंट 200 यूरो पड़ेगा, खाना पीना वहाँ पर 100 यूरो पड़ेगा, और बिजली पानी जो बिल काउंसिल टैक्स 50 लगा लीजिए, ट्रांसपोर्ट लगा लीजिए 50 यूरो, कहीं ना कि आप 400-450 यूरो आपका मंथली खर्चा है। अगर आप 2000 यूरो या 15 यूरो कमा रहे हैं, बाकी 1000 से 15 यूरो आपकी जेब में आएंगे जो आप इंडिया बड़े आराम से भेज सकते हो। तो ये तो हो गया कौन कौन सी जॉब की डिमांड है, और किस कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पर, और कितनी सैलरी है, और यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है, अगर IT का लड़का कोई देख रहा है तो आपकी जो सैलरी रफली वो 3 से 4 लाख पर मंथ है। अगर केयर टेकर के आप जाना चाहते हो, अगर आपने कोई नर्सिंग का कोर्स किया जिससे बेस्ट कंट्री, बिकॉज यहाँ के एक्सपीरियंस इसराइल से ज़्यादा चलते हैं, और यहीं से आपकी सीधी टिकट UK की लग जाएगी, बिकॉज UK क्रोशिया को बहुत मानता है। अब बात टैक्सीज एंड यहाँ पर टैक्सी, जहाँ पर 20% रफली टैक्स कट जाता है, शुरू में जो 12-13 हज़ार यूरो कोई टैक्स नहीं कटता, जितनी सारी आपकी बढ़ती जाएगी आपका रफली 20% टैक्स कट जाता है, और क्राइम रेशो यहाँ पर बहुत ही कम है, बिकॉज ये हैप्पी गोइंग कंट्री है, यूरोप का पार्ट है, और इसी वजह से शेंगन की आ गई थी, और यहाँ की पुलिस बहुत ही फ्रेंडली है, और पुलिस इतनी फ्रेंडली, अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपको कोई भी तंग नहीं करेगी। तो गाइस कहीं भी वीडियो दिल को छू रहा है, 2 दिन लगे सर का वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और मेरी नई ID गैरी रील पर आइए, जहाँ पर मैं 50,000 में कैश प्राइज फ्री दे रहा हूँ,
जो बच्चों ने मेरे से बात करनी है वहाँ पर फ्री में गैरी रील या रियल गैरी कुमार इंस्टाग्राम आईडी पर आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आप लोग किस अग्री माँ के बच्चे क्रोशिया की फाइल खुद बगैर एजेंट से लगा सकते हैं। जो क्रोशिया की वीज़ा फीस है वो रफली 7200 रुपया है, जो कि आपको टेम्पररी शेंगन वीज़ा देगी और क्रोशिया में जाकर आप टीआरसी अप्लाई करोगे और ये वीज़ा लगकर 10 दिन में आ जाता है। और इसकी प्रॉब्लम ये चल रही है कि हमारे जो एजेंट इंडिया पाकिस्तान के, ये लोग जो बल्क में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वीएफएस की, और बच्चे बहुत ही स्ट्रगल करते हैं वीएफएस के अपॉइंटमेंट लेने के। क्रोशिया सबसे ऊपर लगी, आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स लगेंगे, आप ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा, वीएफएस की अपॉइंटमेंट लगेगी, 7200 रुपये फीस पे करोगे, आप 2 फोटोग्राफ्स लगेंगे, कभी नेट लगेगा, एक्सप्लेन करोगे कौन से एम्प्लॉयर आपको जॉब के लिए ले रहा है, आपका सीवी कवलेट लग गया, सीवी कार्ड बनवाना, 5 मिनट अप्लाई करना, मेरे से बनवा लीजिए, मेरे पास वो सॉफ्टवेयर यूके का है जो सीधे आपको इंटरव्यू देकर से जॉब देता है, उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी रियल गैरी कुमार आना पड़ेगा। फिर आपको डिटेल एंट्री लगानी पड़ेगी, जहां पर आप घूमने जा रहे थे वहां पर बताना पड़ेगा कौन से होटल में रुक रहे, कौन कौन सी लोकेशन देख रहे जा रहे हो। इसके लिए आप वाउचर ट्रिप एडवाइजर से ले सकते हैं, booking.com से आपकी होटल की बुकिंग लगेगी, आपकी ट्रैवल की टिकट लगेगी। अगर आप काम करने जा रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर की वहां पर कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रूफ लगेगा और आपके एम्प्लॉयमेंट से आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, जहाँ पर आपका नाम बहुत क्लियरली, डेट ऑफ बर्थ और स्टार्टिंग फिनिशिंग डेट और सैलरी और आपके टर्म्स एंड कंडीशन लगेंगे। इसके अलावा अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो या आप काम के लिए जा रहे हो, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न लगाने पड़ेगी लास्ट 3 ईयर्स की, आपकी पे स्लिप लगेगी लास्ट 6 मंथ की, आपके बैंक स्टेटमेंट लगेगी जहाँ पर दिखाया जाएगा आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और आपको ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई क्रोशिया इन्वाइट करे आपका इनविटेशन लेटर भी लगेगा, और कहीं पर आप घूमने फिरने जा रहे थे वहाँ के होटल की बुकिंग भी लगेगी, बस यही डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस लगेगी अगर आप वहाँ पर जा रहे घूमने के लिए या आप काम के लिए, और PCC लगेगी, और PCC मेक श्योर कीजिए वो इनवैलिड ना हो। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर VFS जाना और 7200 रुपये फीस पे करनी है, उसके बाद 5 से 7 वर्किंग डेज में लगकर आ जाता है। और मेरे एक सब्सक्राइबर को वीज़ा मिला है 2 दिन पहले, वो मिला है हाउस कीपिंग के ऊपर। गाइस चलिए स्क्रीन पर जाकर आपको डेमो देते हैं कैसे आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं 2 वेबसाइट आपके लिए लेकर आया हूँ। पहली कंपनी का नाम है लिंक्डइन, जहाँ पर मैंने वेटर की जॉब डाली है और वेटर क्रोशिया में दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन पर। वेटर की जो जॉब निकली है दोस्तों, इसके लिए आपको CV चाहिए जो मुझसे बनवा सकते हैं, और मेरी कंपनी अप्लाई भी करती है क्रोशिया में। आपके व्याप पर 200 से ज़्यादा कंपनी हो तो 5000 पे करके आप तब लक लग जाए। इसके लिए आपको ग्रीट एंड स्कोर्स करना है कस्टमर को उनके टेबल पर, आप स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है। आपको मेन्यू प्रेजेंट करने हैं, आपको प्रिपेयर टेबल करने हैं, आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करना है डे स्पेशल में कौन कौन से मेन्यू में कौन कौन से ऑफर लगे, जैसे हमारी वेजी थाली होती है इंडिया में, आपको उनके ऑफर का इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है अगर कस्टमर को चेंज करने के लिए बोल रहा है। आपको फूड एंड ड्रिंक को सर्व करना है, आपको कम्युनिकेट करना है किचन स्टाफ को, आपको सर्व को फूड एंड ड्रिंक को करना है, आपको डिशेज वॉशिंग क्लीन भी करनी है, आपको टेबल सेटिंग करनी है, आपको चेक्स करना है डिलीवरी कौन से, बिल पेमेंट करनी है, आपको डर्टी प्लेट्स को कैरियर किचन में लेकर जाना है, आपको रेस्टोरेंट स्टाफ का डेली काम करना है, और आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करना है। और इसके लिए आपको सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, और आप बहुत सारा ओवर टाइम कर सको और टीम में काम कर सको, और थोड़ी बहुत नॉलेज आपको फूड के बारे में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं, कोई आपको एजुकेशन नहीं चाहिए। एज लॉन्ग आपकी स्किल है, आप वेटर की जॉब कर वहाँ से 1 से 1.5 लाख कमा सकते हैं। और ये वेबसाइट का नाम है लिंक्डइन, जहाँ पर हम आप लोगों के लिए जॉब अप्लाई कर देंगे। सेकेंड जॉब है हाउस कीपिंग समर में, जिसकी सैलरी 900 से बेसिक सैलरी शुरू होती है। आप जैसे होटल सैन ग्रोजिया में 4-स्टार होटल प्लस आप ढूंढ रहे हैं आप बच्चों को 2023 में काम करने के लिए, अगर आपने काम करना है वहाँ पर हाउस कीपिंग का, तो आप यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको लर्न फॉर गुड वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूम को टाइडी अप करना है, वैक्यूम क्लीनर करना है, आपको जो होता है वहाँ पर आपको जो टॉयलेट में सामान होता है उसको फिल करना है, आपको मेक श्योर करना कि AC वहाँ प्रॉपरली चल रहा है, होटल का रूम टिप टॉप है, आपको एयर फ्रेशनर करना है, आपको मेक श्योर करना कि वहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्ट को फॉलो करना है। पर इसके लिए आपको वीकेंड में काम करना है, और आपको 40 आवर ज़्यादा काम करें तो आपकी भी सैलरी यहाँ से 1 से 2 लाख बड़े आराम से बन सकते हो। ऐसी वेबसाइट पर जाकर CV बनाकर आपने खुद अप्लाई करना है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आपको जॉब मिल जाएगी। और क्रोशिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, जहाँ पर वीज़ा सक्सेस 99% ऊपर है। और क्रोशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो क्रोशिया जाकर आगे जाकर जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और इवन यूके, कनाडा भी मूव हो सकता है। जो एक बैड न्यूज़ है दोस्तों, वो ये न्यूज़ है यूके बंद करने जा रहा है डिपेंडेंट वीज़ा। आगे बहुत सारे बच्चे इंडिया पाकिस्तान से भर भर कर जाते थे, जिनके पास कोई भी स्किल नहीं थी, वाइफ को छोटा मोटा कोर्स कराकर 10 लाख का, और वहाँ पर 3 साल का ओपन वर्क परमिट लेते थे, 1 साल वाइफ का मास्टर का कोर्स और 2 साल उसके बाद मिलता था उनको ग्रेजुएट वीज़ा। तो वो लड़का 3 साल में 1-2 करोड़ कमाकर आगे कैनेडा या यूके में वाइफ को जो केयर टेकर जॉब दिला रहता था, पर अनफॉर्चुनेट जनवरी 2024 से ये बंद होने जा रहा है। ओनली वाइफ ही स्टडी पर जा सकती, पर उनके हस्बैंड ऊपर नहीं जा सकते। पर अभी 2023 बचा है, तो गाइस दिल खोल के यूके जाइए, बिकॉज ये लास्ट मौका आपके पास यूके में अपनी बीवी बच्चों के साथ जाने के लिए, और जहाँ पर ना तो आप इंग्लिश टेस्ट चाहिए और ना ही कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। बताना वीडियो कैसा लगा, क्रोशिया में जाकर कौन सी जॉब आप ढूंढूँ। एक लड़के का CV मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करूँगा जहाँ जहाँ जाऊँगा, और वो लड़का मैं पिक करूँगा आज वीडियो, बिकॉज वो मुझे रियल में सपोर्ट करता है। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक।